What's up guys? कैसे हो आप सब तो हमने रिसेंटली अपना नया थार एट सेट थी एंडग्राम्स एंड हमने इसके बेसिक कंसेप्ट्रेशन वन को सोल्व किया था अब हम करने जा रहे हैं इलेस्ट्रेशन नंबर टू सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्सो इन एन एग्जामिनेशन पास मैथी टू परसेंट पास इन फिजिक्स एंड पास इन केमिस्ट्री अब यहाँ पर तीन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो मतलब तीन सेट्स बनेंगे ठीक है ये तीन सेट वाला क्वेश्चन है ठीक है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा ठीक है इसे हम दे देते दे हैं मैथ्स इसे हम दे देते दे हैं फिजिक्स एंड इसे हम दे देते दे दे हैं केमिस्ट्री ठीक है अब देखो फोर्टी थ्री जो है वो मैथ्स में पास है ठीक तो है तो मैथ्स के कितने होगा टोटल फोर्टी थ्री इसे मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि ये पूरे सर्कल की बात हो रही है ठीक है एंड फिफ्टी टू परसेंट आप पास देन फिजिक्स फिफ्टी टू परसेंट फिजिक्स में एंड फिफ्टी टू परसेंट केमिस्ट्री में फिफ्टी टू परसेंट इन केमिस्ट्री ओनली एट परसेंट स्टूडेंट्स पास इन ऑल द थ्री एग्जाम्स तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें तीनों सेट्स आ रहे हैं देखो इसमें सिर्फ मैथ्स है इसमें फिजिक्स है इसमें केमिस्ट्री है इसमें मैथ्स एंड केमिस्ट्री है इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स है इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है एंड ये जो एरिया है ये वाला ठीक है इसमें तीनों सेट्स आ रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर आएगा एट परसेंट हम परसेंटेज में एरिया वाइज हम मेंशन करेंगे ठीक है तो एट परसेंट जो है वो तीनों में पास, है। 14 पास हैं फोर्टीन परसेंट पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स अब मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने पास हैं फोर्टीन परसेंट अब देखो मैथ्स एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन कहां पर है ये एरिया है देखो ध्यान से देखना ये पूरा एरिया है मैथ्स और फिजिक्स को मिलाकर ठीक है अब ये ये कितना है फोर्टीन परसेंट लिखा है फोर्टीन परसेंट आ पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स अब हमें निकालना है ये वाला एरिया ये देख रहे हो ये वाला जिसमें ये एट परसेंट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उस फोर्टीन परसेंट में तो ये पूरा इंक्लूड है है ना तो ये एरिया कौन सा है ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स का तो ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स कितना हुआ ये पूरा एरिया हो गया फोर्टीन परसेंट ये एरिया हो गया एट परसेंट तो ये एरिया कितना हो गया फोर्टीन माइनस एट दैट इज सिक्स परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री अब मैथ्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है देखो इन दो सर्कल्स को देखो ये सर्कल एंड मैथ्स का सर्कल इनका इंटरसेक्शन यहां हो रहा है देखो ये पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट है मैथ्स एंड केमिस्ट्री का तो ये पूरा एरिया जो है ये किसके बराबर है ट्वेंटी वन परसेंट के अब इस एरिया में तीनों वाला एरिया कितना है आठ परसेंट तो ये वाला एरिया कितना हुआ यहां से लेके यहां तक ये हुआ ट्वेंटी वन माइनस एट ठीक है दैट इज थर्टीन परसेंट ठीक है एंड ट्वेंटी परसेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये दो सर्कल्स हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाले एरिया में देखो एंड इसमें कितने पास हैं ट्वेंटी परसेंट अब ट्वेंटी परसेंट में ये आठ परसेंट वाला भी इंक्लूड है जो कि तीनों में पास है तो इसे माइनस कर देंगे ट्वेंटी माइनस एट दैट इज ट्वेल्व परसेंट ठीक है तो हमें इन सबके एरियाज पता चल गए मैथ्स एंड फिजिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री ठीक है एंड मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों भी ठीक है अब इनके ओनली वाले देखते हैं ओनली मैथ्स ओनली फिजिक्स एंड ओनली केमिस्ट्री अब देखो क्या फर्क है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में एंड ओनली मैथ्स ओनली फिजिक्स एंड ओनली केमिस्ट्री में देखो फोर्टी थ्री परसेंट जो थे वो मैथ्स में पास थे अब वो फोर्टी थ्री परसेंट में मैथ्स एंड फिजिक्स वाले भी हैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले भी हैं एंड मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले भी हैं ये तीनों हैं अब इन्हें अगर हटा दो तो आ जाएंगे ओनली मैथ्स वाले ठीक है तो फोर्टी थ्री परसेंट माइनस थर्टीन माइनस एट माइनस सिक्स अगर करेंगे तो आंसर आएगा सिक्सटीन परसेंट ठीक है तो ये हो गया ओनली मैथ्स वाला सिमिलरली हम ओनली फिजिक्स निकालते हैं पूरे फिजिक्स में ये पूरा सर्कल है फिजिक्स का इसमें फिफ्टी टू परसेंट थे अब हमें ओनली निकालना है मतलब सिर्फ इतना एरिया तो 52% टू परसेंट माइनस सिक्स माइनस एट माइनस ट्वेल्व करेंगे तो आंसर आएगा 26% सिक्स परसेंट एंड सिमिलरली जब हम ओनली केमिस्ट्री की बात करेंगे तो पूरी केमिस्ट्री में 52% टू परसेंट है उस 52% टू परसेंट में फिर 8 एंड 12 भी इंक्लूड है तो इसे माइनस कर देंगे 52 टू माइनस थर्टीन माइनस एट माइनस ट्वेल्व सो इट विल बी इक्वल टू नाइनटीन अब लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टुक द एग्जाम इज 200 अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं हंड्रेड यहाँ पर मैं छोटा सा लिख देता हूँ टोटल है 200 हंड्रेड पी सी एम डिनोट द स्टूडेंट्स हु पास इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये हमने ऑलरेडी कर दिया अब क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स ओनली कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए थे तो ये देखो हमने 16 पहले से कैलकुलेट करके कर रखा है सो इट इज ऑप्शन नंबर ए सिक्सटीन कैसे किया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ पूरे में से हमने इन तीनों को माइनस कर दिया तो ओनली मैथ्स आ गया क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन मैथ्स ओनली टू द स्टूडेंट्स पासिंग इन केमिस्ट्री ओनली अब देखो रेशियो कैसे निकालते हैं मैथ्स का डिवाइडेड बाय केमिस्ट्री तो ओनली मैथ्स वाले कितने थे सिक्सटीन ठीक है डिवाइडेड बाय ओनली केमिस्ट्री वाले कितने थे इट इज नाइनटीन तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नाइनटीन इज द आंसर तो इट इज ऑप्शन नंबर सी सिक्सटीन इज टू नाइनटीन ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन फिजिक्स ओनली टू द स्टूडेंट्स पासिंग इन ईदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और बोथ अब देखो हम इसे कैसे निकालेंगे ईदर फिजिक्स ईदर केमिस्ट्री और बोथ ठीक है तो अब देखो या तो वो फिजिक्स में पास होगा या वो केमिस्ट्री में पास होगा या फिर वो बोथ में पास होगा ठीक है तो वो मतलब मैथ्स में नहीं होगा तो मैथ्स को छोड़ के physics, पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा तो इन सबको कैलकुलेट कर लो ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स प्लस एट प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन प्लस नाइनटीन तो इसका सम आ जाएगा एट्टी फोर ठीक है तो यही आंसर है क्योंकि इन्हीं में ही तो सब आ जाएंगे या तो वो फिजिक्स में पास है या फिर वो केमिस्ट्री में पास है या फिर वो दोनों में पास है ठीक है तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन फिजिक्स ओनली फिजिक्स ओनली कितना है ट्वेंटी सिक्स ठीक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग इन ईदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और इन बोथ तो मतलब इसको छोड़ के पूरा सारा आ गया तो इट इज एट्टी फोर ठीक है इसे कैलकुलेट करोगे इनको सम करोगे तो एट्टी फोर आएगा तो इट इज ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई एट्टी फोर दैट इज ऑप्शन नंबर बी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट इज डिक्लेयर पास इन एन एग्जाम ओनली इफ ही और शी क्लियर्स एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स ठीक है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर डिक्लेयर पास इन दिस एग्जाम इज अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछें तो पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ही और शी पास कब होते हैं जब एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स में तो पास होते ही होते हैं तो देखो इसमें एटलीस्ट टू वाले कौन से हैं क्या ये सिक्सटीन जो स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट टू में नहीं ये तो ओनली मैथ्स वाले हैं ये ओनली फिजिक्स वाले हैं एंड ये ओनली केमिस्ट्री वाले हैं जो एटलीस्ट टू का क्या मतलब हुआ दो या दो से ज़्यादा तो ये दो, ये दो वाले हैं ये दो वाले हैं ये तीन वाला है एंड ये दो वाले हैं तो ये सारे ऐड होंगे क्योंकि ये दो से ज्यादा में पास हैं दो या दो से ज्यादा में तो थर्टीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी प्लस एट थर्टी थ्री थर्टी थ्री प्लस सिक्स थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन परसेंट हम निकालेंगे टू हंड्रेड का तो इसका आंसर आएगा सेवेंटी एट ठीक है तो इट इज ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी एट कैसे निकाला थर्टी नाइन परसेंट ऑफ टू हंड्रेड ठीक है माइंड वर्क्स क्लब ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेट ईदर इन तंबोला और एंड फीटी ठीक है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी पार्टिसिपेट इन फी टी एंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी पार्टिसिपेटेड इन तम्बोला तो इसे हम करते हैं एफ से डिनोट एंड टी से डिनोट सॉरी टी से डिनोट ठीक है तो एफ वाले कितने थे थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी प्लेयर्स ठीक है एंड तम्बोला वाले कितने थे थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लेयर्स ठीक है एंड यहां पर ओनली नहीं लिखा मतलब इसमें दोनों वाले भी इंक्लूड होंगे एंड टू हंड्रेड ट्वेंटी पार्टिसिपेंट जो थे वो बोथ वाले थे तो F इंटरसेक्शन T बताया था ना इसका मतलब दोनों वाले तो ये कितने थे 220 और ये 220 इनमें मिले हुए हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर ओनली F एंड ओनली T ने लिखा अब पूछा हाउ मेनी मेंबर्स डज द क्लब हैव कितने मेंबर्स थे तो सिंपल आंसर है 320 हंड्रेड ट्वेंटी प्लस थ्री माइनस टू पूरा एफ पूरा टी माइनस एफ इंटरसेक्शन टी इसको अगर दूसरे तरीके से समझना है तो देखो इन्होंने वेन डायग्राम बनाया हुआ है पहले इन्होंने क्या किया ओनली एफ वाले निकाल दिए एंड ओनली टी वाले निकाल दिए कैसे 320 को F इंटरसेक्शन T से माइनस कर दिया ओनली वाले निकालने के लिए एंड T एंड T में 350 को 220 से माइनस कर, तो कर दिया तो इनके ओनली वाले आ गए और फिर उन्होंने ओनली f ओनली t एंड वाले को ऐड कर दिया तो दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो आंसर आपका सेम आएगा दैट इज फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी नंबर फोर देर आर ट्वेंटी थाउजेंड पीपल लिविंग इन डिफेंस कॉलोनी गुड़गांव ट्वेंटी थाउजेंड पीपल डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं ठीक है आउट ऑफ देम थाउजेंड जो थे उन्होंने किसको सब्सक्राइब कर रखा है स्टार नेटवर्क टीवी को ठीक है एंड ट्वेल्व थाउजेंड जो थे उन्होंने जी टी वी को एंड जो चार हजार थे उन्होंने दोनों जी टी वी एंड स्टार नेटवर्क को सब्सक्राइब कर रखा है अब पूछा है कितने ऐसे हैं जिन्होंने किसी को भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा हाउ मैनी डू नॉट सब्सक्राइब टू टू एनी ऑफ द टू तो देखो इसे हम सिंपली कैसे निकाल सकते हैं टोटल ट्वेंटी थाउजेंड है ठीक है एंड नंबर ऑफ पीपल पहले हम सब्सक्राइब जो जिन्होंने कर रखा है उन्हें निकालते हैं फिर उसे टोटल में से माइनस कर देंगे बस तो देखो नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब कितने नौ हजार तो किसने सब्सक्राइब करे थे जी आ, स्टार टी वी पे एंड ट्वेल्व थाउजेंड किसने करे थे जी टी वी पे एंड जो चार हजार थे वो दोनों वाले थे तो इसे तो माइनस कर दो क्योंकि ये इसी में इंक्लूड है तो ये क्या ये कितना आ गया ट्वेंटी वन थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड इट इज सेवनटीन थाउजेंड तो सेवनटीन थाउजेंड लोग जो थे उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था किसी ना किसी को या तो या तो स्टार टीवी को या फिर जी टीवी को या फिर दोनों को ठीक है ये सत्रह हज़ार पीपल सब्सक्राइब वाले थे एंड टोटल पीपल कहते थे बीस हजार तो अगर मैं टोटल में से सब्सक्राइब वाले हटा दूँ तो अनसब्सक्राइब वाले आ जाएंगे बिल्कुल आ जाएंगे तो इट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सेवनटीन थाउजेंड देट इज तीन हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था अब इसे दूसरे तरीके से भी देखते हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने पहले ओनली स्टार टी वी निकाला कैसे नाइन थाउजेंड का टोटल स्टार टी वी था उसमें से बोथ वाला माइनस कर दिया नाइन थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड दैट इज फाइव थाउजेंड एंड बोथ वाला अलग से लिख दिया अब जी टी वी का टोटल कितना था बारह हज़ार अब उस बारह हज़ार में चार हज़ार वाले भी इंक्लूड थे बोथ वाले तो इसे भी माइनस कर दिया ट्वेल्व थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड डैट इज एट थाउजेंड फिर इन्होंने क्या किया इन तीनों को प्लस कर दिया तो इनके सब्सक्राइब वाले आ गए फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड विच इज इक्वल टू सेवेंटीन थाउजेंड और हमने सेवनटीन थाउजेंड कैसे निकाला था दोनों टोटल को प्लस करके माइनस इंटरसेक्शन वाला तो दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो आंसर वही आएगा बस इससे हमें सब्सक्राइब वाले पता चल गए है? कितने हैं सेवेंटीन थाउजेंड तो उसको टोटल में से माइनस कर दिया तो अनसब्सक्राइब वाले आ गए दैट इज थ्री थाउजेंड सो ऑप्शन नंबर ए थ्री थाउजेंड इज योर आंसर ठीक है सो दीज वर द आंसर्स ऑफ इलस्ट्रेशन टू थ्री एंड फोर आई होप आप समझ में आया होगा तो so, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं सो कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग